Jenner Shukta back on the only channel of Fun and Gaming. Thank you for 100 subscribers. आपने हमारा गोल पूरा किया, हमने थोड़ा रश कर दिया टाइम ऑनलाइन, बूस्ट भी खत्म हो चुका है। अभी ये ट्रेनिंग पोर्शन मेरे को अभी अभी ट्रेडर से फ्री में मिला, तो हमने उसको ले लिया और सब कुछ इस साइड ऑफ द बेस में आ गया। क्वीन लेवल 1 की 11,000 डार्क लेग मिलेगी। अब हम लोग के सामने आ गए हैं नया जंगल किंग का स्किन, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। देखो शांति पीटते हुए मस्त स्किन है इनका, थोड़ा इजिप्शियन टाइप का करके सुपर सन ना हमको दिखाया ये स्किन। तो पहले तो एक मस्त से अटैक में जाते हैं। हम लोग का स्पेल फैक्ट्री भी अपग्रेड हो गया और वो भी तो मेरे से आज 24/7 वाला क्लैन लीव हो गया बाय मिस्टेक, तो मेरे को ये क्लैन में रहना पड़ रहा है। ओए टाउन हॉल 11, कल भी मुझे टाउन हॉल 11 दिखाया था, इट जस्ट हैड 4 एयर डिफेंस, 2 इन्फर्नोस हीरोज, 2 कैनन्स, 2 आर्चर टावर्स, बाकी सब उसने ओजी डेज वो ओजी प्लेयर है सिल्कर। ये देखो पिछले सीजन का स्किन है इसके पास क्वीन का, वाओ अच्छी बात है। तो हम लोगों को भी चाहिए उसको, तो हम लोग अभी तो अटैक कर रहे हैं। तो बेस मिलने के बाद मिलते हैं वो, उसके पास पेक्का किंग है, इसके पास भी स्नेक क्वीन है, मतलब गोल्ड पास ज़्यादा लोग ले रहे हैं इसलिए, मतलब तो यही वो बेस है जिसको हम लोग हिट करने वाले हैं। लेट्स डू दिस। और अब टेस्ट लूम नो सीसी, सब ड्रैगन चलेगा किंग, एक से नेक्स्ट है किंग क्वीन। ओह माय गॉड, मेरे को मैं भूल गया था क्वीन का अबिलिटी नहीं होगा, इसलिए मैं बोला एक सेकंड लेवल देखने लगा, आई फॉरगॉट दैट आई बूस्ट इज आवर। अब किंग और ड्रैगन को फनलिंग कर करके हटा देगा। ओह माय गॉड, स्केलेटन्स किंग के सबसे बड़े दुश्मन, वो किंग के बार्बेरियंस उसको हैंडल कर लेंगे, बाकी हमारा अटैक बहुत सही जा रहा है। इनो किंग मर जाएगा, रिग्रेट है, बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा तो इग्नोर करना, डार्क पूरा फुल है। अब किंग क्वीन किसी ना किसी को अपग्रेड करके रहना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत सारा डार्क आजकल वेस्ट हो रहा है मेरा। मैं डार्क लेके आता हूँ बट डार्क का स्टोरेज फुल लेते, वो डार्क ला के कोई फायदा नहीं होता। तो अब डार्क जाएगा सीधा क्वीन पे, उसको लेवल 2 करने के लिए। देखो क्वीन कितनी स्ट्रांग है, लिटरली वो एक दिन क्या हुआ, ये वाला मतलब यहाँ का जो पास का बिल्डिंग है फूट गया, क्वीन इस स्टाइल पे थी और उसने इस स्टाइल के बिल्डिंग को हिट किया, एंड आई वाज लाइक व्हाट। क्वीन इस साइड का हेल्प कर सकती है, पीछे वाले साइड का नहीं, अब तो बस अपना मोमेंट स्पीड से हेल्प कर सकती है। एंड गाइस, आप लोग ने हम लोग को 100 सब्स करके जो मतलब हेल्प किया है, थैंक यू। मेरा बर्थडे आ रहा है 14th of July, तो आप लोग ने तो एडवांस बर्थडे गिफ्ट दे दिया, क्वीन पूरे मतलब मरी नहीं थी ऑलमोस्ट, में किंग मर गया था थोड़ा। I'll do this boost portion. King भी boost हो गया। वाह। Double ये। और spells में lightning, all lightning. Lightning is too strong. अभी तो हम अपना army camp upgrade कर रहे हैं नए troops के लिए। एक सेकंड। 10 troops. दो bonus करके। हीलर 14 हाउसिंग स्पेस लेती है, छोड़ दे रहा है, नहीं चाहिए हीलर, रख लो।
अब इस बेस में ये बैटल मशीन को हमने लेवल 4 कर दिया था। टाइम फॉर हिम टू गो फॉर लेवल 5। मास्टर बिल्डर इसमें बिजी है, नहीं तो मैं लेवल 5 भेज देता, उसको कैंसिल कर देता। और अब वो कैंसिल हो गए तो वॉल्स कर देता। सब लूट एक बार में गायब, कोई लॉस नहीं है। हम लूट मार के बिल्डर बेस में ले आएंगे तो वो कैंसिल करने का कोई लॉस नहीं था। हमने यहाँ पे अपना बेबड्राइन मैक्स कर लिया, इसको यहाँ पे लगा के मास्टर बिल्डर कुछ वॉल्स वॉल्स है नहीं है, देन गो फॉर द बैटल मशीन। वो जाने दीजिए, वो 1 2 3 गो। एक दिन के लिए हमारा ये जा चुका है बैटल मशीन अपग्रेड में, पूरा मस्त है। 500 जिम्स लगता है, 499 हो गया। लेवल 5 का क्लॉक टावर मैक्स है। ये हम लोग यहाँ पे एक करते हैं लेआउट एडिट, फिर करते हैं रिमूव ऑल, यहाँ पे डालते हैं ये, थोड़ा होने के बाद मिलते हैं। तो हम लोग को एक चैलेंज मिला है, यहाँ पे आर्मी फुल है, दोनों हीरोज हैं। यही बेस पे हम अटैक कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं ये बेस। हम लोग को चैलेंज मिला कि कैन यू बीट माय बेस, तो हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे क्लैन मेट के बेस को 3 स्टार करेंगे। जो इतना छोटा बेस है मैं खुद 3 स्टार कर सकता। 1 2 3 4 3 भाई, 4 ही लगेगा फिर तो। 1 2 3 एक दिन मैं और तू कॉम्पिटिशन लगाएंगे? नहीं, हाँ तो चलिए अब करते हैं इसके बेस पे ड्रैगन। यहाँ से करो, सीसी निकला कि नहीं चेक कर लेते हैं। सीसी है, ड्रैगन डाल दे जी, ड्रैगन डाल। सारे ड्रैगन यहाँ डाल दूंगा, किंग यहाँ, क्वीन यहाँ, किंग एबिलिटी, सब ड्रैगन जल्दी से मार दो उस इलेक्ट्रो ड्रैगन को। एक सेकंड के अंदर ही मार देंगे सब। मर गया वो, किंग एबिलिटी डल गया। कैन आई 3 स्टार दिस बेस? ये कितने छोटे से कैन है ना। कैन आई 3 स्टार दिस बेस? मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन। हाँ यस आई कुड आल्सो। ये क्वीन का काम है कि वो किंग को टेक आउट कर ले जल्दी, क्योंकि क्वीन इज द बेस्ट। मेरे को कोई देख नहीं रहा हम लोग के क्लैन में, पता नहीं मेरी क्वीन मतलब मेरे किंग का अगर क्वीन के साथ मैच हो गया देन इट्स ओवर फॉर द किंग। किंग का वहीं गेम ख़त्म हो जाएगा। तो अब तो वो जाके लॉक हो गई है इस ड्रैगन पे। और ये बेस हम मार चुके 3 स्टार, अपने दोस्त का चैलेंज था क्लैन के, कोई दोस्त का था मेरे को पता नहीं उसका नाम, बट आई जस्ट 3 स्टार हिज बेस। ये फ्रेंडली चैलेंज था, ये बेस 3 स्टार हो गया उसका फ्रेंडली चैलेंज में। हाँ मतलब वो तो गया ना सारा डिफेंस निकल गया, थोड़ा होने के बाद मिलते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसके बेस को क्रश करते हुए, देखेंगे। साइड में बिल्डर हट्स ने डाला था, इसके पास 2 ही एयर डिफेंस थे, मतलब ये बहुत पुराना बेस है फिर, क्योंकि इसके पास मर तो गई हमारी क्वीन थी वो। तो ये बेस हो गए 3 स्टार। अभी तक हुआ नहीं, हो रहा है मतलब हो तो गया। अब ये अकेला तो ना डार्क इलेक्ट्रिक ड्रिल में ड्रैगन्स को मारेगा। तो हम लोग एक और लास्ट अटैक कर रहे हैं बेस मिलने के बाद मिलते हैं। तो हम लोग अगला वोट मिलवाते हैं बेस मिलते हैं। वाओ, इन्फर्नो टाइमर 10 विथ अ क्लॉक वर्किंग एंड विंटर क्वीन। अभी मैं 4-5 विंटर क्वीन देख चुका जब नेक्स्ट बटन टैप कर रहे थे तब। मेरे को गोल्ड पास खरीदना अलाउड नहीं है, तो मेरे को कोई किसी के पास भी गोल्ड पास होते तो
उसका स्किन देखने में मज़ा आता है। नहीं ये बस नहीं है। हम बोले थे सीओसी का लास्ट एपिसोड होता, बट उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि नहीं हम बनाएंगे सीओसी, कंटिन्यू करेंगे। तो बेस मिलने के बाद मिलते हैं। ये बेस गया, बाय बाय टाटा। चार ये गया, एक दो तीन चार, और एक जाओ क्वीन पे। भाई क्वीन का सब हेल्थ गया ऑलमोस्टली। अब यहाँ ड्रैगन्स लून्स, एयर मेरे को पता है वो मर रहा है जल्दी, एयर स्वीपर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा है लून्स। अब बाकी के ड्रैगन्स, ड्रैगन का दुश्मन कोई नहीं है। किंग डाल दिया, क्वीन डाल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ डाल देता हूँ किंग एबिलिटी ताकि वो, ओ भाई ग्राउंड एयर वाला जो एक्सपर्ट है वो किंग के ऊपर लॉक हो गया है, नहीं बारबेरियंस के ऊपर लॉक हो गया है, अब किंग के ऊपर लॉक हो गया है। वो ग्राउंड एक्सपर्ट है, अच्छा वो ग्राउंड एक्सपर्ट है, मेरे को लगा ग्राउंड एंड एयर वाला है। क्वीन मरी नहीं, क्वीन जिंदा है अभी तक। ये बेस्ट थ्री स्टार है, देखते हैं क्या ये ड्रैगन अकेले निकाल पाएंगे टाउन हॉल। ये क्वीन कहाँ गई मेरी, उसने एक निकाल लिया, दूसरे के लिए वो जा रही है और तीसरे के लिए वो डबल ड्रैगन जा रहा है। ओ ये हो गया थ्री स्टार। और मैंने एक बात नोटिस किया, जब मैंने फ्रेंडली बेस में अटैक किया तो मेरे ट्रूप्स माइनस नहीं हुए, ये समझ नहीं आया वो हुए क्यों नहीं। बाकी मैं एक नई ले आऊँ, मतलब नया वाला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वन सेकेंड, ये वो कॉम्पोजिशन मैस हॉक के लिए, जब हॉक्स मरने वाले हों तब हील डाल दो, जब हॉक्स साथ में हो रेज डाल दो, फ्रीज डाल के उसको मोटर से बचा सकते हो आप। और मैं आप लोगों को एक और आर्मी दिखाना चाहता हूँ जो कि है यह, मतलब ये आर्मी एकदम मस्त काम करती है ये आर्मी। तो इसमें एक और वैल्क ऐड कर देंगे हम। तो ये हो आर्मी, वॉल्स ब्रेक करो, एक गोलम के पीछे तीन पैका, एक गोलम के पीछे दो पैका और दो वैल्कारी, एक बारबेरियन के साथ और लाइटनिंग स्पेल से मोटर फोड़ने का ट्राई करो। ये भी एक अच्छी आर्मी है। और आप लोगों के लिए एक नई आर्मी मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मतलब एक नया स्ट्रेटजी ये बन सकता है। तो वो है टाउन हॉल 9 के लिए, जिसके पास क्वीन भी लेवल 5 तक हो और किंग भी अच्छे लेवल में हो। तो वो आर्मी है हम लोगों की, ये जो आर्मी मैं आप लोगों को कॉम्पोजिशन स्टेट दिखाता हूँ उसकी। तो वो है ये आर्मी, ये थोड़ी अजीब कॉम्बो है मैं समझ सकता हूँ। क्वीन पे डालो हीलर्स, करो क्वीन वॉक, लाइटनिंग से एयर डिफेंसेस फोड़ देना, नो लाइटनिंग। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक जैंट के जगह चार वॉल ब्रेकर, वॉल फोड़ो, पैका डालो, पैका आसपास ना घूमो, ड्रैगन्स हैं आपके क्लीन अप के लिए, क्वीन वॉक, ड्रैगन्स क्लीन अप के लिए, वॉल फोड़ के पैका को सीधा कोर में भेजो और विजेट से साइड के मतलब जो भी हैं वो क्लियर करवा सकते हो क्लीन अप, या फिर आप उससे
ब्लड्स भी क्लियर करवा सकते हो और बारबेरियन बस सीसी चेक करने के लिए। सीसी है तो अपने सीसी में इलेक्ट्रो ड्रैगन ले जा सकते हो और डस्वा लाइटनिंग भी। इसमें हम एयर डिफेंस इसलिए भरते हैं बिकॉज वी नीड टू सेव दी हीलर्स, और हीलर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है किंग डाल के उनसे भी, मतलब आर्चर टावर से भी। तो ये है वो नई स्ट्रेटजी जो कि मेरे माइंड में आई तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अभी लैब अपग्रेड करके हम डाल लिए अपने ड्रैगन को अपग्रेड करने के लिए, बहुत टाइम पहले डाल लेते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। डोनेशन कर देते हैं तो बाय हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।